हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोटो डायोड की। तो देखिए, फोटो डायोड भी क्या है, ये भी आपका एक स्पेशल पर्पस डायोड है, स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। और फोटो डायोड की जो बेसिक वर्किंग होती है वो जस्ट अपोजिट टू एलईडी होती है। देखिए, एलईडी का लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में ये होता है कि हम इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट इनर्जी। ये किस में होता है, ये होता है एलईडी में। लेकिन इन केस ऑफ फोटो डायोड इसका जस्ट रिवर्स होता है। फोटो डायोड के केस में क्या होता है कि जो लाइट इनर्जी होती है, लाइट इनर्जी, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल इनर्जी। तो पहली चीज तो ये होती है कि जो फोटो डायोड है उसकी वर्किंग एलईडी के जस्ट अपोजिट होती है। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी को कन्वर्ट कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट इनर्जी में। और फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट इनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल इनर्जी में। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि फोटो डायोड के कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला तो क्या है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। फोटो डायोड जो है साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा क्या होता है कि दे हैव गॉट गुड लिनियरिटी, ठीक है। थर्ड है आपका कि इसमें रिस्पॉन्स स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है, यानी रिस्पॉन्स स्पीड इज हाई, ठीक। फोर्थ है कि इनमें जो बायसिंग रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड वेरी सिंपल बायसिंग रिक्वायरमेंट। इनकी जो बायसिंग रिक्वायरमेंट होती है, इनको बायस करने के लिए जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट की जरूरत होती है वो बहुत सिंपल सर्किट की जरूरत होती है। और कॉस्ट वाइज जो है, कॉस्टिंग भी इनकी, दे आर वेरी लो कॉस्ट डिवाइस, लो कॉस्ट डिवाइस। तो फोटो डायोड जो है, ये चार पांच तरह के इसके अंदर मेन एडवांटेज होते हैं। पहला क्या है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा है लीनियरिटी प्रॉपर्टी उनकी काफी अच्छी होती है। थर्ड है आपका कि रिस्पॉन्स स्पीड बहुत हाई होती है। फोर्थ, बायसिंग रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही सिंपल, मतलब इनको बायस करने के लिए बहुत ही सिंपल सर्किट की जरूरत होती है। और लास्ट क्या है आपका कि दे आर वेरी लो कॉस्ट डिवाइस, यानी दे आर नॉट कॉस्टलियर। तो ये इसके मेन फीचर होते हैं किसके, फोटो डायोड के। अब इसमें बात आती है कि फोटो डायोड कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, द वर्किंग फंक्शन ऑफ फोटो डायोड इज जस्ट अपोजिट, ये मैंने तो आपको बोला ही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपका, वो चीज मैंने आपको अपने चैनल पे पोस्ट भी डाला हुआ, आप देख सकते हैं कि फोटो डायोड्स आर फास्टर देन फोटो कंडक्टर्स। फोटो डायोड जो है वो फोटो कंडक्टर से फास्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज क्या होती है कि दे कैन कलेक्ट द कैरियर एट द पीएन जंक्शन, लेकिन इसमें इंटरनल गेन नहीं होता है। भाई, फोटो डायोड और फोटो कंडक्टर में यह डिफरेंस होता है, फोटो डायोड और यहां आप लिख सकते हैं फोटो कंडक्टर, ठीक है। इनमें यह डिफरेंस होता है फोटो डायोड फोटो कंडक्टर में कि ये तो कंपेरेटिवली फास्टर होते हैं, ये इसके कंपेरिजन में स्लोअर, ठीक। सेकेंड क्या है कि दे कैन कलेक्ट कलेक्ट द कैरियर्स कहां पे, एट पीएन जंक्शन, ठीक, ये नहीं कलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट क्या है, लेकिन इसमें इंटरनल गेन नहीं होता है, और जबकि इसमें इंटरनल गेन होता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका फोटो कंडक्टर और फोटो डायोड में, क्लियर। अब उसके बाद बात आती है
कि फोटोडायोड कैसे काम करता है। तो देखिए फोटोडायोड सिंपली इसका बेसिक वर्किंग क्या है फोटोडायोड की, वो अभी अगर आप इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि, और ये भी इसमें ये भी क्या है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसमें इसमें आप क्या करेंगे कि अगर आप फोटो डायोड आप ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए ये आपने एक पीएन जंक्शन बना लिया, ठीक, ये इसको बायसिंग कर दिया आपने, ठीक है, और ये हो गया आपका बायसिंग, अच्छा फॉरवर्ड बायस में ये हो गया आपका बायसिंग वोल्टेज, बायसिंग वोल्टेज, ये पी टाइप मटेरियल हो गया, ये एन टाइप मटेरियल हो गया, ये सपोज कीजिए डिप्लीशन लेयर, ये जंक्शन हो गया, तो जंक्शन के इधर ये हो गया आपका डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जब भी इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए आप इसको जंक्शन ऐसे शो कीजिए, जब भी कोई लाइट एनर्जी फोटो डायोड पे पड़ती है, मान लीजिए यहां से कोई भी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई, ठीक है, ये फोटो डायोड पे पड़ेगी, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आपको मालूम है कि लाइट एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, ठीक, पैकेट्स की फॉर्म में। तो जब भी जो फोटोन, व्हाट दे आर कॉल्ड, दोज एनर्जी बंडल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, क्लियर, ये आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जब भी कोई ऐसा एनर्जी का बंडल या फोटोन इस पे हिट करता है जिसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा हो, व्हेन एच सी अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन ई जी, इस एच सी अपॉन लैम्डा को आप दूसरे ढंग से एच न्यू, ये वी जो वी जैसा जो दिख रहा है इसको न्यू बोलते हैं ना, ये जब कोई ऐसा एनर्जी का बंडल इस पे हिट करता है जिसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, इस जब भी इस तरह का कोई एनर्जी बंडल इस पे हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, कहां पे, यहां पे, इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये जो आपने बायसिंग लगाई हुई है, बायसिंग की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं, ठीक, तो जो ये मान लीजिए आप हटा दीजिए, ठीक, जो होल्स हैं आपके वो इधर की तरफ ट्रेवल करने लगेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ ट्रेवल करने लगेंगे, ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, यहाँ पे ये जो डिप्लेशन लेयर की पोलरिटी रहती है इस तरह, और इस तरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर ए फोटोन हैविंग एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन ई जी स्ट्राइक्स द मटेरियल, द फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड इट्स एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स इज एक्साइटेड एट द कंडक्शन बैंड एंड इज नाउ एबल टू मूव। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए और वो आपके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाउ दे आर एबल टू मूव, वो मूव करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड विद इन द डिप्लीशन रीजन, व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक्स ए डिप्लीशन रीजन इट्स एनर्जी सेपरेट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स होल, तो इलेक्ट्रॉन और होल अलग हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद द सेपरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल आर अट्रैक्टेड बाई द पॉजिटिव एंड निगेटिव पोटेंशियल ऑफ द डिप्लीशन वोल्टेजेस निगेटिवली रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो होल्स हैं ये इससे अट्रैक्ट होकर इधर चल देंगे,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पोलैरिटी से अट्रैक्ट होके इधर ट्रेवल करने लगेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हेंस ए फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट्स द करंट, आगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स बायस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज एनहेंस्ड। मतलब जब आप इस पे रिवर्स बायस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग होती है फोटोडायोड की। अब फोटोडायोड जो है वो आपके दो तीन तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोटोडायोड। जो टाइप्स होता है वो, जैसे पहला है आपका, एक तो होता है पीएन फोटोडायोड, फोटो डायोड। सेकंड होता है आपका पीआईएन फोटोडायोड। जब ये कभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम सारे टाइप्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ये हो गया पीएन फोटोडायोड, पीआईएन फोटोडायोड, और तीसरा होता है एवलांचे, एवलांचे फोटोडायोड, फोटो डायोड, इसको लिखते हैं एपीडी, ठीक है। तो ये तीन तरह के फोटोडायोड होते हैं, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डिटेक्टर, मतलब फोटोडायोड की या फोटो डिटेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या क्या होती है। तो देखिए, देर आर जनरली देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर। पहला क्या है, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी। यहां पे आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डिटेक्टर्स, फोटो डिटेक्टर्स। पहला क्या हो गया आपका, क्वांटम एफिशिएंसी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डिटेक्टर्स में पहला हो गया क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, ठीक है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट, ठीक। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट, जो फोटॉन उसके ऊपर गिर रहा है, इंसिडेंट फोटॉन्स। तो इससे जो है फोटो डिटेक्टर की एफिशिएंसी निकल आएगी। इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं आईपी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। तो एक बंडल की एनर्जी है टोटल एनर्जी, यानी पी डिवाइडेड बाय एच न्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई पी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय पी अपॉन एच न्यू या पी ओ पी अपॉन एच न्यू, वेयर। अब यहाँ पे आप आई पी क्या है, क्यू क्या है, पी ओ पी क्या है और एच न्यू आपको मालूम है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए आई पी क्या है, यहाँ पे आई पी आप लिख सकते हैं द फोटो जनरेटेड करेंट, कितनी करेंट जनरेट हुई सर्किट में। सेकेंड है आपका द इंसिडेंट ऑफ, पी ओ पी क्या है, ये हो गई फोटो जनरेटेड करेंट, पी ओ पी हो गई द ऑप्टिकल पावर। क्यू आप सबको मालूम है क्या होगा, क्यू है आपका फ्री कैरियर चार्ज, ठीक है। क्यू है आपका वही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या फ्री कैरियर चार्ज, और एच न्यू आपको मालूम है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, द फोटोन एनर्जी। इसको आप लिख सकते हैं द फोटोन एनर्जी,
ठीक है, तो पहली तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी आपकी हो गई फोटो डिटेक्टर की, ये क्वांटम एफिशिएंसी। दूसरी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है रिस्पॉन्सिटिविटी। ठीक है, दूसरी एफिशिएंसी आप लिख सकते हैं कि किस हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है, यानी द सेकेंड सेकेंड एफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सी रिस्पॉन्सिविटी। ठीक है, ये क्या होता है, द रिस्पॉन्सिटिविटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोटो जनरेटेड करेंट टू द इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर। यानी सीधा सीधा अभी हम लोग पिछले उससे जाएं तो रिस्पॉन्सिटिविटी आर इज इक्वल टू हो गई फोटो जनरेटेड करेंट आईपी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, ये आईपी अपॉन पी ऑफ ओपी। ठीक है, अगर आप इनकी वैल्यू रख देंगे, अगर आप इनकी भाई वैल्यू रख देंगे तो पी ओपी क्या होता है, एच डी होता है, और आईपी की जगह आप क्या रख सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू क्यू। ये तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक होती है फोटो डिटेक्टर्स की। अगर आप इसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मान लीजिए इधर ऑप्टिकल पावर और उधर जनरेटेड करेंट, मान लीजिए ये हो गया आपका पी ओ पी ऑप्टिकल पावर किसमें, मिली वॉट में, और इधर आप दिखा रहे हैं फोटो जनरेटेड करेंट आईपी। ठीक है, तो जो करेक्टरिस्टिक आएगी आपकी वो अभी हमने उसमें लिखा था लीनियर, तो ऑलमोस्ट ये आपका क्या आएगा, लीनियर करेक्टरिस्टिक आएगी इसकी। ठीक, इसमें ये जो रीजन कहलाता है आपका, ये रीजन कहलाता है लीनियर रीजन, और उसके बाद वाला जो रीजन कहलाता है जहां पे ये जाके थोड़ा सा बेंड हो जाता है कर्व, ये कहलाता है लीनियर रीजन, और ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। ये हो गई इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसकी, फोटो डिटेक्टर की। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए एक और हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें किसके किसके में, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस वेवलेंथ में। ठीक है, तो अगर इसको एक एक और हम करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें जिसमें मान लीजिए ये हमने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रिस्पॉन्सिटिविटी और इस पे ले लिया हमने वेवलेंथ। तो मान लीजिए ये हो गया आपका वेवलेंथ, वही अभी जो हमने एच सी अपॉन लैमडा लिखा था ना फोटो एनर्जी का, तो ये लैमडा, तो वेवलेंथ हो गया आपका मान लीजिए नैनोमीटर में, और इधर ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिविटी आर। तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए आइडियल फोटोडायोड के लिए तो ये लीनियर जाएगा, अगर आइडियल फोटोडायोड की हम बात करें तो ऐसे आएगा, दिस इज फॉर आइडियल फोटोडायोड। ठीक है, लेकिन टिपिकल फोटोडायोड की जब आप बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह आता है आपका, ऐसे गया और इस तरह। ठीक है, ये हो गया आपका टिपिकल फोटोडायोड के लिए, दिस इज फॉर टिपिकल फोटो डायोड। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए फोटो डायोड के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको करा दिया है, और इसके इसका जो बेसिक आप याद रखिएगा कि दिस इज जस्ट अपोजिट टू द लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, हमें लाइट एनर्जी और एज ए आउटपुट मिलती है, इसके अंदर क्या होता है कि हम लाइट एनर्जी इनपुट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको एज ए आउटपुट मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी आपको चीज़ पूछनी है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।